जल गई थी उस दिन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे पूरी दुनिया दे दी आपने। ये तो हद ही हो गई है। जानती हूं उस चुड़ैल के साथ क्या करना है। नाश्ते के लिए आ जाएं। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर। सुबह बखैर। सुबह बखैर बच्चों। अरे वाह, क्या बात है, कोई खास दिन है क्या? सब खैर होगी इंशाल्लाह। एक सरप्राइज है सबके लिए। क्या सरप्राइज है? तो बताओ बेटी। भाभी आ जाए फिर बताऊंगी। लो आ गई मैं। चलो अब बताओ क्या सरप्राइज है। मेरा रिजल्ट आ गया है। और नर्सिंग स्कूल जा रही हूँ मैं। मुबारक हो। मुबारक हो। हाय मेरी प्यारी बेटी। अरे इधर आओ। चलो मेरे लिए बहुत खुश हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो मेरी प्यारी बहन। तो क्यों ना हम इस लम्हे को यादगार बनाएं? हाँ, बिल्कुल। तुम इधर आओ। बहुत
शायद ये अदाती है सबकी। काश के मैं अब भी वहीं होती। आ जाओ। तुम क्यों लाई हो? तुम्हारी अम्मी कहाँ है? आज यतीमों से मुलाकात का दिन है तो वो तैयारी कर रही हैं। आप कहें तो बुलाऊं उन्हें? नहीं, जरूरत नहीं है। बच्चों को हरगिज ऊपर मत आने देना। मेरे सर में दर्द है, आराम करूंगी। जी बेहतर। ठीक है, अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं है। आपने कहा था बारहान ने खून का बदला लेने के लिए शादी की है, और ये भी कि वो उसकी जिंदगी जहन्नुम बना देगा। लेकिन बारहान तो ऐसा कुछ भी नहीं करता है दादी, बल्कि वो तो उसकी तरफदारी कर रहा है। आपको बाग में देखना चाहिए था कि वो लोग कितने करीब खड़े थे। पहली बात, तुम ऐसे ही किसी के कमरे में नहीं आ सकती, समझ गई? जहां तक बारान की बात है तो उसकी बीवी बनने के लिए तुम्हें खुद पे काबू रखना होगा। बारान जब तक उस लड़की का हाथ पकड़ा हुआ है तब तक मैं भी इस बारे में कुछ नहीं कर सकती। अब जाओ यहां से और अपने लिए अच्छी सी कॉफी बनाओ, और उसको पीते हुए अपने जहन में मेरी ये बातें दोहरा। जब वक्त आएगा तो फिर बात करेंगे हम दोनों। चलो जाओ। आइंदा ऐसा नहीं होगा। माफ कर दे मुझे। वक्त आएगा तो बात करेंगी मुझसे। वक्त तो पहले ही निकल चुका है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। हर सूरत उस लड़की से जान छुड़ानी है।